हेलो क्लास टेन, बेटा ये दो क्वेश्चंस किसी ने भेजे नहीं, प्लीज़ इसको भेजिए। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है दोनों क्वेश्चन, प्लीज़ भेजिए, फिर मैं बताऊँ, डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन अदर वर्ड्स मेटलर्जी हम पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान देना, यही जो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है यही पिछले साल मैं नहीं पढ़ा पाया था लैक ऑफ टाइम की वजह से, बस ये टॉपिक केवल पिछले साल छूट गया था, छूटा नहीं था बस मतलब इसको पूरा नहीं पढ़ा पाया था मैं, मतलब पूरा भी पढ़ाया था लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था, मतलब पूरा मतलब बताया था मैंने कैसे कैसे क्या करते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बता पाया था, टाइम नहीं था, हालांकि पढ़ाया इसको भी था। लेकिन आज चलिए देखते हैं इसको, ऑकरेंस ऑफ मेटल। देखिए मेटल्स जो भी हैं मैक्सिमम जो हमें अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का लेयर है ऊपरी लेयर उसको क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, वहाँ से हमें मैक्सिमम मेटल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखिए ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ओके कैसे करेंगे सुनते चलिए। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, यहाँ भी मिलता है कुछ मेटल सॉल्ट जो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। देखिए जो भी एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली मिल रहे हैं हमें अर्थ में उन्हें हम बोलते हैं मिनरल। ध्यान से सुनना बात, एक पहली बात तो ये हो गई कि मेजर सोर्स है अर्थ क्रस्ट, एक चीज़ हो गई कि सी वाटर भी कंटेन करता है सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ मैंने ये बताई कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज आर नोन एज मिनरल्स, मतलब जो नेचुरली मिल रहा है हमें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उसको हम मिनरल बोलते हैं। ध्यान से सुनना, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। कभी कभी क्या होता है कि मिनरल में जो परसेंटेज ऑफ दैट मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है मिनरल में, उस मिनरल में परसेंटेज ऑफ मेटल जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। और जब बहुत परसेंटेज ज़्यादा होता है उस मेटल का, तो मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, मतलब प्रॉफिट हो उसमें एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, आर मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबली वे में उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उस मेटल को। ध्यान सुनिएगा, उस प्रॉफिटेबली उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि परसेंटेज उस मिनरल में ज़्यादा है, तो दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ध्यान से सुन लो, मिनरल्स क्या होते हैं ऊपर डिस्कस हुआ कि नेचुरली जिस फॉर्म में मिलता है उसको मिनरल बोलते हैं, मेटल या जो भी एलिमेंट या कंपाउंड। आगे क्या है कि अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में जो मिनरल हमें मिल रहा है, मतलब जो मिनरल हमें मिल रहा है उसमें उस मेटल का, जिस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसका परसेंटेज बहुत हाई है और हम बहुत आसानी से प्रॉफिटेबली वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मेटल को, तो उस प्रॉफिटेबली मिनरल से मेटल को अलग कर सकते हैं क्योंकि मेटल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आसानी से प्रॉफिटेबली अलग कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर्स। यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है, एक स्टेटमेंट सुनिए कि ऑल मिनरल्स, ध्यान सुनना, ऑल मिनरल्स आर, इसको नोट कर लेना, है नहीं है बुक में शायद, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब ये स्टेटमेंट पहला हो गया, बट समझते भी चलना, ये स्टेटमेंट कभी कभी देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या आर ट्रू। पहले लिखा ऑल मिनरल्स आर, सॉरी पहले लिखा मैंने कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, दूसरा पहला लिखा कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर और दूसरा लिख रहा हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि मिनरल जो है जो भी नेचुरली हमें अर्थ में मिलेगा सब मिनरल हो जाएंगे, लेकिन ओर वही होंगे जहाँ से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ओर जो भी होगा जहाँ से ही प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मिनरल तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि वो भी अर्थ से ही मिल रहा है। लेकिन सारे मिनरल्स, अब सारे मिनरल्स तो ओर नहीं होंगे ना, क्योंकि हर मिनरल जो भी हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है उससे हम प्रॉफिटेबली नहीं निकाल सकते ना, तो और सारे मिनरल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें
इसीलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑल ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए विथ रीज़न, बिकॉज ये स्टेटमेंट आया था पिछली बार प्री बोर्ड या किसी एक एग्ज़ाम में था ऐसा इट इन द क्वेश्चन पेपर, सो यू हैव टू बी रेडी। हाँ अब देखिए भाई, मिनरल और ओर का पता तो चल गया कि क्या मिनरल है क्या ओर है, अब देखते हैं हम कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो मेटल जो ओर में मिल रहे हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, दिस इज द क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ध्यान से देखिए लिखा क्या है, यू हैव लर्न्ड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। ध्यान से देखना क्या है, हैविंग दिस नॉलेज यू हैव यू कैन ईजली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, कैसे अभी देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से क्या रिलेशन है एक्सट्रैक्शंस, सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, अब देखिए कौन कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे कौन फ्री स्टेट में मिलेंगे, ध्यान से देखो, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, तो दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट, बात समझ में आई, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और उस लीस्ट रिएक्टिविटी होने के नाते दे डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ एनी अदर मेटल या नॉन मेटल या किसी के साथ, दैट्स वाई दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड आर ऑक्साइड ओर्स, देखिए जो कॉपर है और सिल्वर है ये नॉर्मली मिलते हैं हमें फ्री स्टेट में, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर, मतलब कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड भी मिलेगा और सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड भी मिलेगा, नॉर्मली ये दोनों मिलते हैं कंबाइंड में लेकिन सॉरी फ्री में, लेकिन कंबाइंड में भी कभी कभी मिलते हैं और इस फॉर्म में आर ऑल्सो फाउंड, दोनों मिल सकते हैं कहने का मतलब है। अब इसका रीज़न क्या होगा कि रिएक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी, ठीक है ध्यान से देखो अगला, यहाँ से द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज दिस पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और ऑल्सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज ए फ्री स्टेट, इतने ही रिएक्टिव होते हैं कि कभी फ्री स्टेट में मिल ही नहीं सकते, द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी, अच्छा ऊपर और नीचे की जो बात हो गई ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव, अब मिडिल वाले क्या करते हैं द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जिंक आयरन ये पीवी को लेट करते हैं, लेट कहते हैं भाई सीसा यही है सीसा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, अब ये मिडिल में है तो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं क्यों बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करते, जो बीच में दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली है, अब कैसे ही मिलते हैं तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ना बहुत कम रिएक्टिव है तो बीच वाला कुछ बनाएगा तो ऑक्साइड की तरह मिलते हैं सल्फाइड की तरह मिलते हैं कार्बोनेट की तरह मिलते हैं, यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ओर्स हैं वो, अब देखिए अर्थ क्रस्ट में सारे मेटल हैं तो अब अर्थ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो और ऑक्सीजन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है तो आपको दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और जो है मेटल ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स की ओर जो ऑक्साइड फॉर्म है, उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इजिली रिएक्टिव है हर मेटल के साथ, दैट्स वाई देखो दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ, एक तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है दूसरा रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन की और दूसरी चीज़ ये कि मात्रा भी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है अब ये दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज 3.9 दिस, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, बीच वाला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है ना, डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग द ईच कैटेगरी, अलग अलग मेटल जो अलग अलग कैटेगरी में है लो मिडिल और हाई इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट वहाँ से निकालने के लिए, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स, ए समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज गिवन इन 3.10, ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन द डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस, देखिए यहाँ ये जो बताया गया है ये मेटल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी और ये जो फिगर है नीचे दिस वन
और से शुरू किया जाए, ये कॉमन स्टेप्स जो हैं, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर से निकालने के लिए बहुत से स्टेप्स हैं। समरी ऑफ दिस स्टेप्स इज गिवन इन दिस, ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ये ओर से यहाँ से क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कल करेंगे, ये मेटल वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यही सीरीज़ है, एक्टिविटी सीरीज यही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो इसमें जो सबसे नीचे होगा वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सीसा और AU, ठीक है ना। एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी, सी एक्टिविटी सीरीज मतलब ये ऊपर से नीचे आने पे एक्टिविटी सीरीज है, ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव, यही होता है ना, यही होता है ऊपर से नीचे आने पे सबसे, मतलब इस जो टेबल दिया हुआ है इसमें पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस AU गोल्ड इसको बोलते हैं, दिस इज़ लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, इसलिए सोना हम पहनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो ऊपर वाले हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव इधर वाले मोस्ट रिएक्टिव जो हैं मेटल, इनको इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी विल डिस्कस इट इन द क्लास, इन द क्लास मतलब इन द वीडियो क्लास, हाँ, या स्कूल खुल गया तो स्कूल में, लेकिन अभी तो यहीं चलिए, ठीक है ना। उसके नीचे वाले जो हैं उसको रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ये मेथड यूज़ करके निकालते हैं हम, और जो सबसे नीचे ये AG सोना और चांदी हैं, इनको फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में मिलते ही मिलते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हैं, एक्टिविटी सीरीज और रिलेटेड मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब द प्रोसेस यूज्ड, द प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर, ओके ना, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ से ये और क्या क्या स्टेप्स हैं यहाँ से हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नोट्स बनाते चलिए। ये भी हो गया, यहाँ तक भी हो गया, ये भी मैंने बता दिया और यहाँ तक हो गया, ये और से स्टेप वाले से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, थैंक यू।